कहीं कोई MLR नहीं हुई है, किसी के कोई चोट नहीं आई है और कोई लाठीचार्ज करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। तो बिना परमिशन के अगर कोई कार्रवाई करता है, भीड़ इकट्ठी करता है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर कोई परमिशन कहीं कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है कहीं पर भी, कहीं कोई MLR नहीं हुई है, किसी के कोई चोट नहीं आई है और कोई लाठी चार्ज करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। पुलिस सिर्फ इतना चाह रही थी कि आप सड़क को जाम मत करो। कोरोना का ज़माना है, एम्बुलेंसेस पेशेंट्स को लेके इधर से उधर भाग रही हैं, लोग अपने लोगों को लेके जा रहे हैं। किसानों का अधिकार है, वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सड़क जाम मत करें, यही उनको कहा गया। तो आपके जो पार्टी के नेता हैं, क्या उन्होंने पूरी स्थिति से बिना वाकिफ हुए ऐसे बयान दे दिए? अब देखिए, मैं अनिल विज हूँ और सरकार में गृह मंत्री हूँ। अब देखिए, मैं उनके बिहाफ पे कुछ नहीं कह सकता। मैं जो सरकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको वो दे रहा हूँ जो मैंने गैदर की है, और वो मैंने यही गैदर की है कि कहीं कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है। रोड जाम करने का मुकदमा भी दर्ज किया गया है और केंद्र का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एपिडेमिक एक्ट के तहत, लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती है, उस एपिडेमिक एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। सबको लेकर जनसभाएं, रैलियां हो रही हैं। एक योगेश्वर दत्त का भी वीडियो जो है पीछे वायरल हुआ, जिसमें 1000-1200 लोग थे। इसी तरह से इनेलो के जो देखिए, मैंने सारे अधिकारियों को कह दिया, SPs, DCs को, सबको कह दिया कि अगर कहीं पर भी कोई भीड़ इकट्ठी करता है बियॉन्ड द लिमिट जो कि केंद्र ने इजाज़त दी है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और आपसे कोई भी अगर परमिशन मांगता है, पहली बात तो बिना परमिशन के अगर कोई कार्रवाई करता है, भीड़ इकट्ठी करता है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर कोई परमिशन मांगता है तो उससे ये पूछें कि आपका लीडर कौन है, भीड़ करता कौन है, उसका नाम हमें पता होना चाहिए पहले से। आपके आदेशों के बाद की कार्रवाई हुई किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के, क्योंकि जो योगेश्वर दत्त की जनसभा है वो 2 दिन पहले की है? नहीं, बिल्कुल, अब मैं एक एक केस की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी अब क्या कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, इसलिए उनकी बात का तो संज्ञान लेना बड़ा मुश्किल बात है। देखिए, अब मैं ऐसी बातों का कोई वो जवाब नहीं देना चाहता। सरकार अपना दायित्व पूरा निभाएगी।
नहीं, वो FIR है, वो FIR साइट पे है, वो आप देख लीजिए। ये सब राफेल सेरेमनी कल हुई है, केंद्रीय रक्षा मंत्री भी आए थे। राफेल क्या आप चीन के जो सीमावर्ती एरिया हैं जहाँ जो अपने एयर बेस है वहाँ पर रखे जाएंगे या अम्बाला ही रहेंगे? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं जा सकती है। नहीं नहीं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो सर, ये जिस तरह से अब ये दावे प्रति दावे हैं किसानों पे लाठीचार्ज के, आपको जो जानकारी मिली है ऑथेंटिक की, पुलिस कह रही है कि ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोगों के पास है कि उनके पास वीडियो है, अगर कोई जानकारी बाद में आपके पास ऐसी आती है तो फिर क्या जिन अधिकारियों ने कोई ऐसी जाँच हो सकती है? देखो, अगर किसी के पास वीडियो होती तो आप लोग अब तक चैनलों पे कब की उसको 20-20 बार रीवाइंड करके चला रहे होते हैं, लेकिन आपने नहीं चलाई है, यही इसका सबूत है। आगे की आगे देखेंगे। देखिए, कोरोना अब क्रिटिकल फेज में जा रहा है। पहले हम बकायदा मॉनिटर करते थे कोरोना के केसेस को, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब देखने में आया है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ रही है, वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ रही है, और लोगों को अपने मरीजों को लेके इधर उधर भागना ना पड़े, इसलिए 100-100 बेड के 3 कोरोना क्रिटिकल केयर सेंटर मैंने बनाने का आदेश जारी किए हैं, ताकि उनमें हर वो सुविधा हो जो ऐसे मरीज को ज़रूरत होती है, यानी इक्विपमेंट भी हो, मेडिसिन भी हो और क्वालिफाइड डॉक्टर भी हो। अगर हमें बाहर से हायर करने पड़ेंगे हम करेंगे, लेकिन इन क्रिटिकल जो सेंटर हैं इनमें सब चीज़ें मुहैया रहेंगी, ताकि अगर कोई आदमी नॉर्मल है तो वो ठीक है, वो सेंटर बने हुए हैं वहाँ रखे, लेकिन अगर वो क्रिटिकल स्टेज में जाता है तो उसको इधर उधर ना भागना पड़े, वो इन सेंटरों में लेके जाए, हम वहाँ पर इनको ठीक करेंगे। ये करनाल कल्पना चावला में बना रहे हैं, रोहतक PGI में बना रहे हैं और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में बना रहे हैं। हाँ जी, नहीं, जो ये होम आइसोलेशन वाले हैं, जो काफ़ी लोग होम आइसोलेशन में हैं, तो उसके मैंने आदेश दिए हैं कि बकायदा एक टीम जाएगी जो उनका हालचाल पूछेगी और रिकॉर्ड करेगी उनका BP कितना है, उनका टेम्परेचर कितना है, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, और अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में जाता है तो फिर वो नोडल ऑफिसर को बताएगी, ताकि नोडल ऑफिसर उसको क्रिटिकल केयर सेंटर में पहुंचाने का इंतज़ाम कर सके। हाँ, ये अभी सारा प्लान किया जा रहा है, इसमें हम जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे उन लोगों को भी ले सकते हैं, आशा वर्कर्स को भी ले सकते हैं, और हम इसमें अपना पैरामेडिकल स्टाफ भी ले सकते हैं। हाँ जी, नहीं, जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनको तो किसी वो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया ही हुआ है कि कोरोना का जो काम करेगा उसको डबल तनख्वाह देंगे। हाँ, सभी का किया हुआ। Thank you.
हैं क्या? नहीं है भाई, भीड़ पे मार के नहीं है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।